हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत छोटे से स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी ऑटो सेक्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने नज़र आ चुका होगा, मंजुला ऑटो है। दोस्तों ये स्टॉक का जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 44 रुपीज़ के आसपास है, और दोस्तों ये स्टॉक का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने वाला है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल बेहिचक आप खरीद सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का मैं कुछ जो है पॉजिटिव चीज़ बता देता हूँ आपके सामने। ये देख लीजिए स्टॉक है दोस्तों, और 2 या 3% यहाँ देख सकते हैं 2.23% की डिविडेंड भी देती है। तो ऐसे कंपनी को हमें अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप खरीदना चाहते हो तो बेहिचक खरीदे दोस्तों ऐसे कंपनी को। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए पीई रेशियो जो है 12.40 वैल्यू पर मिल रहा है दोस्तों। पी भी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 1.50 है, चलिए ये भी अट्रैक्टिव है। तो ऐसे स्टॉक को हम अपने अपने रेडार पर रखना चाहिए। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो बेहिचक खरीदे। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो बहुत बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 74% अराउंड 80% मान लीजिए कि इसी का है ऐसे। तो दोस्तों अगर शेयर प्राइस में यहाँ ज़्यादातर गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक प्रमोटर इंक्लूडेड है और एक पब्लिक इंक्लूडेड है। अगर प्रमोटर इंक्लूडेड नहीं रहते दोस्तों, अगर प्रमोटर को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता तो वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग अपने पास नहीं रखते, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग उन्होंने ही रखा प्रमोटर्स। तो मैं बोलूँगा दोस्तों ऐसे कंपनी पर आपको नज़र रखना चाहिए। अगर ऑटो सेक्टर में आने वाले दिनों में भी अगर कुछ बड़ा ऐलान होता है जिससे ऑटो सेक्टर को रिलीफ मिलता है और ग्रोथ मिलता है, तो ऐसे कंपनी को जो है आने वाले दिनों में ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखो प्राइस कम है, ठीक है, प्राइस कम है, पीई जो वैल्यू मिल रहा है वो अट्रैक्टिव है, पीबी जो वैल्यू मिल रहा है वो भी अट्रैक्टिव मिल रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम रहता है कंपनी में, सपोज़ मान लेते हैं बाई चांस, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम रहता तो दोस्तों प्रमोटर्स जो है अपना होल्डिंग को डिक्रीज़ कर देते धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आपको बताया जा रहा है यहाँ 2018 से, यहाँ देख लीजिए 2019 भी चला गया दोस्तों, अब तो 2020 आ गया, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन प्रमोटर्स ने अपना 1% भी होल्डिंग को डिक्रीज़ नहीं किया। क्योंकि उनको पता है आने वाले दिनों में दोस्तों ऐसे स्टॉक जो है अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। और चार्ट से समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों इसका प्राइस का, ठीक है, देख लीजिए मंजुला ऑटो है, इसका प्राइस जो हाईएस्ट अभी मारा था 55 रुपीज़ के आसपास, और अब भी देख दोस्तों इसका प्राइस जो है गिरा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 55 से यहाँ पर देख लीजिए 43, मतलब कि आधा गिर गया, ठीक है। गिरने के बाद देखिए इसमें जो है एक बाउंस बैक, मतलब कि यू शेप के साइड जैसे आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए यू शेप जब भी बनाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में जब भी कोई स्टॉक कप एंड हैंडल चार्ट बनाता है, वन मोर टाइम, कप एंड हैंडल चार्ट बनाता है दोस्तों। अगर आपको कप एंड हैंडल चार्ट के बारे में नहीं पता है तो आप अपने इंटरनेट में जाके सर्च करते हैं, गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि कप एंड हैंडल चार्ट क्या होता है, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो है कंपनी कप एंड हैंडल चार्ट बना रही है, तो इस जगह पर आपको खरीदना चाहिए। अगर मान लीजिए कल को थोड़ा सा गिरावट भी हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो स्टॉक जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, और दूसरी बात स्टॉक का प्राइस जो है गिरा हुआ, तो ऐसे स्टॉक पे आपका ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों स्टॉक देखिए पूरा अपर मूवमेंट में ही जा रहा था, तो मैं बोलूँगा दोस्तों देखिए ये क्यों अपर मूवमेंट में जा रहा, क्योंकि आपका पता होना चाहिए यहाँ पर प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो देखिए ये 30 रुपीज़ तक चला गया था दोस्तों, 30 से 50 चला गया, 55, मतलब कि 60 हो जाता तो पैसा डबल ही हो जाता। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप ध्यान लगाओगे या ज़्यादा फोकस करोगे तो दोस्तों आपका पैसा जल्दी ग्रो होगा, जल्दी ग्रो होगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो बड़े बड़े होते हैं हम खरीद नहीं पाते हैं, तो आप क्वालिटी खरीदना चाहिए या क्वांटिटी, तो मैं बोलूँगा दोस्तों क्वालिटी खरीदना चाहिए, लेकिन क्वालिटी के साथ अगर क्वांटिटी मिल जाए तो क्या दिक्कत है, क्वालिटी के साथ अगर क्वांटिटी मिल जाए तो और अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। और ये देखिए ये जो रेड कैंडल आपको यहां पर दिख रहा है दोस्तों, मैं अच्छे से दिखाता हूं, हाँ ये देख लीजिए, सबसे पहले हर एक जगह देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये जब रेड कैंडल बनाया था दोस्तों, ये वाला जे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ तक बनाया था 37, लेकिन 37 से फिर देखिए ग्रीन कैंडल चढ़ा, फिर यहाँ पर देख लीजिए रेड कैंडल यहाँ से यहाँ तक चढ़ा, ठीक है, गिरा धीरे धीरे करके फिर यहाँ चढ़ा, तो यहाँ पर जस्ट अभी एक रेड कैंडल आया है, उसके बाद देखिए ग्रीन को भी चढ़ना बाकी, थोड़ा बहुत मान लीजिए डिक्रीज होगा दिक्कत की कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन इंक्रीज़ होगा, तो उसमें क्या है कि आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो आप ऐसे कंपनी पर ध्यान दे सकते हो जिससे आने वाले दिन में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिले। चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके इनकरेज की जगह, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।